Hello, I am Dr. Shweta. Today's virtual lab experiment is Stefan's law. और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है आपका टू वेरीफाई द स्टीफन्स लॉ बाय इलेक्ट्रिकल मेथड. तो इसमें अपरेटस रिक्वायर्ड होंगे, स्टीफन्स किट और कनेक्टिंग वायर. और यहाँ पे आपका वर्चुअल लैब का लिंक दिया है, ये भी IIT बॉम्बे का वर्चुअल लैब है. ठीक है, तो उसके बाद हमने थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है कि अगर ब्लैक बॉडी को हीट अप करें तो वो रेडिएशन एमिट करती है, और वो रेडिएशन टेम्परेचर टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है. जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, जो एनर्जी रेडिएशन एमिट हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू पावर 4. अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4. फिर बोल्ट्जमैन ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया स्टीफन्स लॉ में, कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो भी होना चाहिए, मैटर करना चाहिए, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रेडिएट होगा. तो ई इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4. तो ई इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4 इक्वेशन 1 आ गया. ये हमारा ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन है, बट परफेक्टली कोई ब्लैक बॉडी होती नहीं है. तो ब्लैक बॉडी की जगह हमने एक बल्ब यूज किया, उस बल्ब को हीट किया, उसको हीट करते गए तो कितना पावर रेडिएट कर रही है, कितना पावर कंजप्शन हो रहा है. तो ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती नहीं है. तो हमने क्या किया, एक फिलामेंट बल्ब को यूज़ किया ब्लैक बॉडी की जगह और उससे पावर रेडिएट कराई. तो पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू सी टी टू पावर अल्फा माइनस टी नॉट टू पावर अल्फा, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट. तो हमने यहाँ से टी अल्फा बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस टी नॉट अल्फा अपॉन टी अल्फा हो गया. अगर T इज वेरी वेरी लेस देन T नॉट है, अगर हमने ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा है T नॉट से, तो उस केस में क्या होगा, ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी. तो P इक्वल टू सी टी टू पावर अल्फा रहेगा. इसका लॉग लिया, लॉग बेस 10 इक्वल टू अल्फा लॉग बेस 10 प्लस लॉग सी. तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हम उसको ड्रॉ करेंगे लॉग पी और लॉग टी के बीच में ग्राफ, और उसका जो स्लोप स्लोप है वो हमें अल्फा बताएगा, और जहाँ वो लाइन कट करेगी एक्सिस को वो हमारा कांस्टेंट बताएगा. तो कांस्टेंट नहीं फाइंड करना है यहाँ पे, जो सिग्मा है हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है. तो स्लोप फाइंड करेंगे लॉग पी और लॉग टी के बीच में. ये सर्किट डायग्राम है जहाँ आपने थ्योरी और फॉर्मूला यूज लिखा है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका ये सर्किट डायग्राम बनेगा. ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे जो हमारी रीडिंग है उस अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन देखिए स्ट्रेट लाइन आएगा. मतलब हम सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है, सारी रीडिंग्स का ग्राफ बना देंगे. जहाँ पे हमारे स्ट्रेट लाइन मिल रहा होगा उतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे लॉग पी और लॉग टी में. ये टेबल 1 है. ठीक है, इसमें टोटल हमें 20 रीडिंग्स लेनी है. एक बार करंट इंक्रीज करते हुए लेनी है, एक बार करंट डिक्रीज करते हुए लेनी है. तो वोल्ट करंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि हम वोल्टेज ही चेंज करते हैं. ठीक है, तो 0.5 का स्टेप साइज रखेंगे. तो 0.5 के लिए लेंगे, 1 के लिए लेंगे, 1.5 के लिए लेंगे. तो करंट इंक्रीजिंग में हमारा 5 तक हो जाएगा, और डिक्रीजिंग में हम 10 से स्टार्ट करेंगे. 10, 9.5, 9, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा है उसे नोट कर लेंगे. और बल्कि जो हमारा वर्चुअल लैब है, वर्चुअल लैब में बस हम वोल्ट मीटर और करंट की रीडिंग, जब वोल्टेज और करंट रखते हैं तो कैलकुलेट आरजी खुद ही होकर आ जाता है, और उसका मीन भी. ठीक है, आरजी का, और फिर जो आरजी का मीन होता है उसको 3.9 से डिवाइड करते हैं तो आर नॉट आ जाता है हमारा. तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल खुद ही कैलकुलेट करके दे देती है आपको, सिर्फ आपको वी और आई की वैल्यू पुट करनी होगी. ठीक है, तो 10 रीडिंग है जब करंट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे करके 5 तक पहुंच जाएंगे. करंट डिक्रीजिंग में 10 से स्टार्ट करेंगे. 10, 9.5, 9, 8.5, 6.5 तक पहुंच जाएंगे. हाँ, 5.5 तक पहुंच जाएंगे, है ना. तो ये टेबल हो जाएगी. तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल 2 है. ये हम टेम्परेचर के लिए करते हैं. तो लैब में तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना पड़ता है खुद से ग्राफ प्लॉट करके, बट यहाँ पे आपको इस टेबल में रीडिंग जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जब ऑब्जर्वेशन टेबल है क्लिक हेयर, तो ऊपर से रीडिंग खुद यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी. आपको खुद से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कॉपी हो जाएंगी.
और वोल्टेज और करंट खुद यहाँ आ जाएगा। फिर आर टी कैलकुलेट करेगा इसके लिए वी अपॉन आई से, आर टी अपॉन आर नॉट, जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन टेबल है फर्स्ट, वहाँ से आर नॉट कैलकुलेट किया था, उसको डिवाइड कर देंगे आर टी को यहाँ पर, वो भी ये खुद ही करके देगा आपको, वो भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है लैब में, हम मैनुअल जब हम करते हैं लैब के अंदर, तो हम ग्राफ पेपर से उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर वो खुद कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको, इवन लॉग टी भी आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा, पावर वी इनटू आई वो भी कैलकुलेट कर देगा, उसका लॉग भी आपको लेके दिखा देगा। ठीक है, फिर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो नीचे ऑप्शंस होंगे वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के, तो ग्राफ भी दिखाएगा वो आपको, तो वो ग्राफ पेपर पे फिर हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें फाइल में भी इसको करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं प्रोसीजर बताती हूँ, रिजल्ट और प्रिकॉशंस। प्रोसीजर देख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम समझाने में भी लगेगा। तो जैसे ही आप वर्चुअल लैब में क्लिक करेंगे, आपको ये वाला पेज दिखाई देगा आईआईटी बॉम्बे का। तो पहले मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, उसके बाद फिर वर्चुअल लैब को शो करूंगी। इसमें यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, एम थ्योरी प्री टेस्ट प्रोसीजर, इसमें सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे अभी कुछ वर्चुअल लैब हमने करी थी जहाँ पे प्रोसीजर नहीं दिखता था, यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिखेगा। फिर सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी विंडो दिखेगी, वेरिफिकेशन ऑफ द स्टीफंस लॉ। इसमें यहाँ पे अनेबल पावर करेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये ग्राफ दिखाई देंगे, लॉग पी और लॉग टी का ग्राफ किस तरीके का आना चाहिए, कैसा ग्राफ आना चाहिए लॉग पी और लॉग टी का। मैंने जब सर्किट डायग्राम दिखाया था तो वहां पे दिखाया भी था कैसा ग्राफ आना चाहिए, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, इमेज वन पे। तो जैसे इमेज वन पे क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे विंडो, तो यहाँ पे पावर ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, सर्किट्स को कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके का सर्किट दिखता है। तो सब पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वोल्ट मीटर, इधर जाएंगे अमीटर, बल्ब, एक एक करके जाएंगे तो यहाँ पे पूरा सर्किट दिखेगा। अगर एक एक करके इस पे नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पे सर्किट नहीं दिखेगा। कैलिपोस्टर में दिख जाता था बट यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको सर्किट। तो एक एक करके आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर, अमीटर, बल्ब, बैटरी, फिर आपस में वो कनेक्ट बल्ब के साथ, और कंप्लीट कनेक्शंस। तो जब आप ये कंप्लीट कनेक्शंस कर दोगे तो सर्किट इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे और धीरे धीरे इसको जो एरो की है उससे इंक्रीज करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर इस पे वापस क्लिक करेंगे, फिर एरो की से इसको मूव करेंगे, फिर सेट करेंगे। अगर इसको मूव करे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखेगा। जब तक हम सेट पे क्लिक नहीं करेंगे तो वोल्टेज और एमीटर में रीडिंग हमको नहीं दिखाई देगी। तो अब इसको वर्चुअल लैब में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अब वर्चुअल लैब शेयर कर रही हूँ आपको स्क्रीन, तो आपको वर्चुअल लैब की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमुलेशन पे क्लिक किया हमने, क्लिक फॉर सिमुलेशन, तो ये नई विंडो में खुल के आएगा, अनेबल पावर, इमेज वन, ओके। अब हमारा पावर ऑन हो गया, अब यहाँ पे सर्किट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमें जो किट है वो इस तरीके से ही दिखती है, इसके नीचे क्या है वो हमें नहीं दिखेगा। ऊपर एक प्लेन स्क्रीन होती है, उस पे वोल्ट मीटर, अमीटर, बल्ब दिखाई देता है, और बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं हम कनेक्टिंग वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स होते हैं जहाँ पे पिन एंटर करा सकते हैं, तो सिर्फ कनेक्शन कर सकते हैं, तो पूरा सर्किट अंदर बाकी कनेक्ट हुआ होता है। अब आइए यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल है, जब यहाँ पे वैल्यू एंटर करा देंगे तो कैलकुलेट करके, खुद कैलकुलेट करके दे देगा। फिर यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वी एन आई फ्रॉम टेबल वन टू टेबल टू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद से रीडिंग आ जाएंगी। तो रीडिंग कैसे लेनी है अब वो प्रोसेस सुनिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे वोल्टेज पे जीरो पे, अब एरो की से इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे, फिर सेट पे क्लिक करेंगे। जैसे अभी ये सिक्स हो गया, मैंने एक ही फालतू इंक्रीज कर दी। थ्री
ठीक है, तो अब ये आ रहा है 0.5 पे 17.5, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे एंटर करेंगे 0.5 17.5, ऐसे ही अब क्या करेंगे इसको इंक्रीज करेंगे, फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा वापस से, जीरो पे नहीं लाएंगे तो जीरो पे मेरे से हो गया, ठीक है 1 पे 20 वोल्ट, 1 20, तो ऐसे ही आपको 0.5 इंक्रीज करते जाना है, 10 रीडिंग लेनी है यहाँ तक, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट बताना है, तो जब ये हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेंगे, 9.5, तो डिक्रीज करते चलेंगे, फिर करंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट नोट करेंगे, तो करना स्टार्ट करिए और मुझे फिर ये टेबल जिसका भी होता जाए टेबल क्लिक करके फिल करके मुझे भेजिए, यहाँ पे इस तरीके से होगा और डिक्रीजिंग में इसको रिवर्स लेना है 9.8 7.5 6 7 6.5 6 5.5, तो देखा जाए 0 से लेके यानी कि 0.5 से लेके 10 तक की रीडिंग हो जाएंगी हमारे पास, टोटल 20 रीडिंग, ठीक है कैलकुलेट। तो ये आ रहा है आर नॉट हमारा 0.30, सभी का आ गया होगा, जिसने साक्षी आपने 0.6 से लिया है तो आपका भी इसी के अराउंड आ रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक करके ये नीचे आपका ये भी आ रहा है, तो देखिए नीचे यहाँ पे आपका ग्राफ आ रहा है, ठीक है आप ड्रॉ करेंगे तो सेकंड ग्राफ भी आ जाएगा, तो क्या करना है आपके पास ग्राफ पेपर है सेकंड वाला जो ये टेम्परेचर और आरटी अपॉन आर नॉट है, ये तो सेम ऐसे ही बनेगा ग्राफ पेपर पे, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से रीडिंग नोट कर सकते हो या इस पे जैसे ट्रेस करते हैं तो ट्रेस कर सकते हो, लॉग पी और लॉग टी वाले में क्या करना है पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, ये सिर्फ हमें वो ग्राफ बनाना है जहाँ पे हमारा स्लोप मैच कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है आप इस रीडिंग से इस रीडिंग के बीच में एक स्लोप निकालें, तो यहाँ पर आपके पास नीचे लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, एंटर सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, तो पहले इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालिए फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप निकालिए, क्योंकि यही लाइन हमारी स्टीफन स्लॉ से मैच करती है, ऐसे तो स्टीफन स्लॉ में होता नहीं है, फिर ये वाली लाइन है आपके पास स्टीफन स्लॉ के लिए है ना ऊपर वाला, तो इसमें इस पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाल सकते हैं, इन स्लोप के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है तो आप ये बताइए इसमें से पहले से बेस्ट सूटेड लाइन कौन सी है जिसका स्लोप 4 के नियर है, ठीक है तो करके मुझे बताइए वैल्यूज या कोऑर्डिनेट्स में रखिए और हर एक लाइन का स्लोप निकाल के फिर मुझे सेंड करिए कितना आ रहा है, फिर मैं बताऊंगी कि कौन सी लाइन है, जैसे फर्स्ट का मैं निकाल के दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या है 6.23 8 7 आ रहा है, तो अब नेक्स्ट वाला करिए, फिर 3 डिजिट तक ले लीजिए है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तक ले लीजिए, इसके बाद 2.169 सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है 6.34 8 2.995 7.5 आ रहा है इससे, ठीक है फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है तो 7.5 है, तो ये भी नहीं बनेगा, अब इस वाले का निकाल के देख लीजिए, और चाहे तो आपके पास रीडिंग यहाँ पर ऊपर है लॉग टी और लॉग पी के बीच में ग्राफ बनना है तो आप इन रीडिंग से भी प्लॉट कर सकते हैं अपने फाइल में, और जो बेस्ट सूटेड लाइन है उसको ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालना है, और या फिर यहाँ पे ड्रॉ होने दीजिए फिर उसको जो आपका बेस्ट सूटेड लाइन है, अभी क्या था देखो इसने ऐसे नहीं किया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट
हम अगर इससे लाइन बनाते तो एक लाइन बन सकती थी, बट ये पूरा हर लाइन को इसने टच करते हुए ग्राफ बनाया है। जबकि हम जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं तो पहले सारे डॉट्स लगा लेते हैं, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, फिर जो लाइन हमें लगती है स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है उसके नियरेस्ट हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की, इन पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाते, इस पॉइंट को छोड़ देते हम तब, है ना, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते, फिर उसका स्लोप निकाल लेते, उस पे ये सारे पॉइंट से आप रीडिंग्स बनाइए, ठीक है, लॉग पी और लॉग टी का ग्राफ बनाइए, और कुछ पॉइंट्स को जो छोड़ना है उनको छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और उसका स्लोप निकालिए और फिर वो भेजिए, ठीक है। इसका तो मुझे पता है, इसका 5 के अराउंड आता है अगर इन दो पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं, और ये शानवी ने भेजा भी था इन दो पॉइंट्स का रीडिंग का स्लोप, है ना, तो फिर इन दो पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे हम। पर फाइनली आपको ड्रॉ तो करना ही है ग्राफ पेपर पे, तो उससे बेटर है कि आप बनाए। आज का एक्सपेरिमेंट यहीं कंप्लीट होता है। ग्राफ प्लॉट करिए और जो ग्राफ आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।